दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग एक नोटिस है जो कि सोशल मीडिया साइट्स पे अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम डेट के बारे में बताया जा रहा है और 18 में से एग्जाम के बारे में बताया जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि क्या लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के सच में एग्जाम डेट आ चुके हैं, शेड्यूल आ चुके हैं, क्या है इस वायरल नोटिस की सच्चाई, क्या ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रही वो वायरल नोटिस जो कि सोशल मीडिया साइट्स पे काफी ज्यादा अभी सर्कुलेट कर रही है और लगातार छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि क्या ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रही है जिसमें लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम डेट के बारे में बताया जा रहे हैं, तो क्या ये रियल नोटिस है या फिर फेक है, क्या सच में डेट आ चुकी है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 2 के बारे में मेंशन है और यहां पे देखा जाए पॉइंट नंबर 3 में तो लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 इस तरह से करके मेंशन है। इसके बाद बोले गए हैं कि इसका जो एग्जाम है 19-20 में 13 जून 14 15 16 जून 2022 में एग्जाम कराए जाएंगे, इस तरह से बताया जा रहे हैं। और लास्ट में बात करें तो यहां पे डेट लिखा है 25-4-2022 चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अभी जो वायरल नोटिस है फ्रेंड्स, इसको अगर देखेगा तो एग्जैक्ट आपको सेम टू सेम नजर आएंगे जैसा कि रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी की थी एग्जाम शेड्यूल की, वो भी लेवल 4 और लेवल 6 वाली एग्जाम शेड्यूल की जो कि 9 मई और 10 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा नोटिस रेलवे ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे लेवल 4 लेवल 6 के रिगार्डिंग एग्जैक्टली सेम टू सेम इसी तरह की नोटिस है जो कि सोशल मीडिया साइट्स पे अभी सर्कुलेट हो रही है। अब देखिए ये जो नोटिस आई है इसमें डेट आज ही का दिया गया है, 25-4-2022 का दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये नोटिस रियल है या फिर फेक है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर कोई नोटिस आती है एग्जाम के रिगार्डिंग, तब सबसे पहले आपको जो 21 आरआरबी का वेबसाइट है वहां पे दोस्तों किसी न किसी वेबसाइट पे आपको ये नोटिस जरूर देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जितने भी आरआरबी जोन के 21 वेबसाइट हैं, सभी जोन का वेबसाइट मैंने चेक किया है, कहीं पे भी फ्रेंड्स कोई भी इस तरह की नोटिस आज के डेट में आई ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये नोटिस रियल रहती तो किसी न किसी जोन की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलती और बाद में धीरे धीरे सभी जोन की वेबसाइट पे आ जाती है। लेकिन 21 आरआरबी जोन में से किसी भी आरआरबी जोन की वेबसाइट पे दोस्तों ये नोटिस आज के डेट में आई ही नहीं है, अपलोड ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हो कि ये नोटिस सही नहीं है, ये फेक नोटिस है, ये फर्जी नोटिस है जो कि सोशल मीडिया साइट्स पे अभी सर्कुलेट कर रही है। तो बिल्कुल भी इस पे आपको बिलीव नहीं करने, भरोसे नहीं करने। देखिए, जब तक आरआरबी के वेबसाइट पे नोटिस नहीं आती फ्रेंड्स, तब तक वो सही नहीं मान सकते, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पे रेलवे ऐसा करती नहीं है कि यहां पे सोशल मीडिया पे ये लोग नोटिस जारी करें। जब भी नोटिस जारी करेंगे तब आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नोटिस ये लोग जारी करते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, जो यहां पे नोटिस सर्कुलेट अभी सोशल मीडिया पे हो रही है, इसके फॉन्ट देखिएगा आप लोग, ऐसा फॉन्ट कभी भी रेलवे अपने नोटिस में यूज ही नहीं करती है। देखिए, जो यहां पे रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी की थी लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम शेड्यूल की जो कि 9 और 10 मई को होने वाले हैं, इसका फॉन्ट आप लोग देखिए किस प्रकार से रेलवे ने यूज किया है, और अभी जो वायरल हो रही है नोटिस इसका देख लीजिए किस प्रकार का फॉन्ट यहां पे यूज किया गया है। ऐसा फॉन्ट रेलवे नहीं यूज करती फ्रेंड्स, और यहां पे सेम टू सेम एग्जैक्टली जो नोटिस रेलवे ने जारी किया था लेवल 4 लेवल 6 का, उसी तरह से सेम टू सेम कंटेंट है जो कि कॉपी यहां पे किया गया है, जबकि फॉन्ट बिल्कुल अलग है क्योंकि रेलवे का अलग फॉन्ट होता है। तीसरी चीज देखिए, यहां पे थर्ड पॉइंट में जो बताए गए हैं कि लेवल 5 लेवल 3 और लेवल 2 का जो एग्जाम टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि 19-20 में और इसके बाद 13 जून 14-15-16 जून 2022 इस तरह के करके लिखा गया है, जबकि यहां पे लगातार लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 के जब एग्जाम है तो 19-20 में 13 जून और बीच में एंड करके दिया गया है, जबकि लास्ट में सारे डेट देने के बाद लास्ट में एंड यहां पे देना चाहिए था। तीसरी चीज है फ्रेंड्स कि यहां पे देखिएगा कि 19 के बाद कॉमा है, 20 मई के बाद यहां पे देखिए एक लेटर छोड़ के यहां पे कॉमा दिया गया है, इसके बाद यहां पे और यहां पे कॉमा दिया गया है। लेकिन नोटिस कीजिएगा कि ये जो मे के बाद कॉमा दिया गया फ्रेंड्स एक लेटर छोड़ के, देखिए किस तरह से यहां पे इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है। मे के बाद तुरंत ही कॉमा होता अगर इस तरह से देना होता तो इस तरह से जो फेक नोटिस बनाई गई है फ्रेंड्स, यहां पे गड़बड़ी साफ साफ देखने को मिल रही है। एक चीज और देखिएगा, जब भी रेलवे यहां पे डेट को यूज करती है तो इस तरह से 90th, 20th, 30th जून इस तरह से करके यूज करती है, जहां पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर दिया गया है। तो समझ सकते हो फ्रेंड्स कि काफी सारी गड़बड़ियां यहां पे है इस नोटिस में है, तो बिल्कुल भी आगे यहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये फेक नोटिस है, ये फर्जी नोटिस है। अभी तक यहां पे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम डेट ऑफिशियली रेलवे ने जारी नहीं किए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 लेवल 6 के ही एग्जाम शेड्यूल आए हैं जो कि 9 मई और 10 मई को एग्जाम होने वाले हैं। तो इनके एग्जाम हो जाते हैं फ्रेंड्स तो जल्द से जल्द उसके भी एग्जाम शेड्यूल आ जाएंगे, क्योंकि देखिए लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 5 में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इनके एग्जाम सेंटर फाइनलाइजेशन और सारा कुछ किस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए और रेलवे की
फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवा लिया जाए या फिर कम से कम शिफ्ट में एग्जाम हो ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इलिमिनेट किया जाए या फिर बहुत हद तक कम किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी दिक्कत आ रही है इनके शेड्यूलिंग करने में, बाकी जैसे ही इसके भी सारा कुछ क्लियर हो जाते हैं और कन्फर्म हो जाते हैं तो इसके भी शेड्यूल आपको जारी हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल आरआरबी के वेबसाइट पर ही सबसे पहले आपको नोटिस देखने को मिलेगी, ना कि कोई थर्ड सोर्स पे और सोशल मीडिया पे। बात करें हम लोग लेवल 4 लेवल 6 के सिटी एंटीमेशन की, तो देखिए फ्रेंड्स सिटी एंटीमेशन इनके 30 अप्रैल के डेट से रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करवा दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आप लोग एग्जाम से 4 दिन पहले लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहां पे इसके एग्जाम समाप्त होने के बाद कुछ रीजनेबल गैप देखिए लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और इसमें ज्यादा गैपिंग नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ज्यादा लेट भी नहीं लगने वाले हैं, इसलिए प्रिपरेशन में आप लोग लगे रहिएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि 20 मई के बाद से ही आपका लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जाम शेड्यूल किए जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसे भी जब एग्जाम शेड्यूल किए जाते हैं उसके कम से कम 25 से 30 दिन के पहले रेलवे यहां पे अपडेट दे देती है। अभी तक तो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के रिगार्डिंग कोई अपडेट आए नहीं है, नोटिस आए नहीं है, तो देखिए 20 मई के बाद ही दोस्तों चांसेस है कि आपके लेवल 2 लेवल 3 5 के एग्जाम स्टार्ट होंगे और जैसा कि कैंडिडेट की संख्या इनमें ज्यादा है तो जून मंथ तक आपके एग्जाम चल सकते हैं, क्योंकि देखिए बीच में यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है जिसके भी एग्जाम टीसीएससी कंडक्ट कराती है और इनके एग्जाम 24 मई से लेकर 10 जून के बीच में टेंटेटिवली शेड्यूल किए गए हैं। तो अभी तो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के ऑफिशियल एग्जाम डेट आए नहीं है, जैसे ही रेलवे की तरफ से ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल जारी करवा दी जाती है तुरंत ही दोस्तों आपको अपडेट करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, तो बिल्कुल भी सीरियसली आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि देखिए ज्यादा गैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको समय भी नहीं मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, तो सीरियसली प्रिपरेशन में लगे रहिए।